हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग अपने YouTube चैनल को हम लोग अपने क्रोम ब्राउज़र में कैसे ओपन कर सकते हैं डेस्कटॉप साइड में। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है। आप लोग कभी भी अपने क्रोम ब्राउज़र से अपने यूट्यूब चैनल को ओपन करते होंगे तो आपका जो है रियल यूट्यूब चैनल ऐप से ओपन हो जाता है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, आपको मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल को कैसे अपने क्रोम ब्राउज़र से डेस्कटॉप साइड में ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि मैं इसी टाइप की वीडियो आपके लिए हमेशा इस चैनल पर लाता रहूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं कि अपने क्रोम ब्राउज़र से कैसे हम लोग यूट्यूब चैनल को ओपन कर सकते हैं डेस्कटॉप साइड में। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है YouTube, ठीक है? आप लोग कभी भी YouTube लिखते होंगे तो आपका जो है YouTube नहीं खुलता होगा, ठीक है? YouTube लिख के सर्च करते होंगे, YouTube.com लिख के सर्च करते हैं तो आपका जो है YouTube चैनल नहीं खुलता है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, आपको YouTube सर्च कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहा होगा ऊपर में, तो आपको 3 डॉट पे क्लिक करके इसको डेस्कटॉप साइट पे ओपन कर लेना है, ठीक है? तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने अभी डेस्कटॉप साइट पे ओपन कर लिया, तो आपको भी इसी तरह से डेस्कटॉप साइट पे ओपन कर लेना है YouTube सर्च करने के बाद। उसके बाद आपको सिंपल सा पहला वाला में आप लोग क्लिक करते होंगे YouTube में, तो फ्रेंड्स आपका जो रियल यूट्यूब चैनल ओपन हो जाता होगा, जैसे कि आप जो अपने ऐप से यूट्यूब चैनल खोलते हैं वो ओपन हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं, इस टाइप से आपका ओपन हो जाता होगा, आपका जो है क्रोम ब्राउज़र से ओपन नहीं होता होगा डेस्कटॉप मोड में, ठीक है? तो फ्रेंड्स, आपको जो उस तरह से अपने क्रोम ब्राउज़र में अपने यूट्यूब चैनल को डेस्कटॉप साइट में ओपन करने के लिए आपको क्या सर्च करना है, आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है यूट्यूब डैशबोर्ड, ठीक है? YouTube डैशबोर्ड आपको सर्च कर लेना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से आपको YouTube डैशबोर्ड सर्च कर लेना है। YouTube डैशबोर्ड सर्च करने के बाद आपको सिंपल सा पहला वाला में क्लिक कर देना है, ठीक है? पहला वाला ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है, कुछ इस टाइप का आ जाएगा फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है, नीचे कंटिन्यू टू स्टूडियो दिख रहा होगा, तो आपको कंटिन्यू टू स्टूडियो पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? और अगर फ्रेंड्स आपको जो कंटिन्यू टू स्टूडियो का ऑप्शन नहीं आएगा तो ऐसे भी आपका जो है यूट्यूब चैनल खुल जाएगा, लेकिन आपको जो है यूट्यूब डैशबोर्ड करके सर्च करना होगा, तब आपका जो है यूट्यूब चैनल क्रोम ब्राउज़र में डेस्कटॉप साइड में ओपन होगा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो ओपन हो चुका है क्रोम ब्राउज़र में। और इसी टाइप से आपको भी सिंपल सा इसी टाइप से करना है, आपको क्रोम ब्राउज़र में जाके यूट्यूब डैशबोर्ड सर्च करना है और पहला वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है फ्रेंड्स, ठीक है? तब जाके आपका जो है YouTube इस टाइप से ओपन हो जाएगा क्रोम ब्राउज़र में। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो छोटा सा नॉलेज के लिए बनाया था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।